बसमिल व्ल महम तीन قيام يوم الدين पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक बाज़ार यानि इचरा बाज़ार में एक बहुत बड़ा सानहा होते होते रह गया वाक़ यह है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक बाज़ार यानि इचरा बाज़ार में एक ख़ातून ने आज कल अरब दुनिया में अरबिकले कैलीग्राफी के, के साथ फ़ैशन डिज़ाइनिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ है वो कुर्ता पहनी हुई थी और जाहिल कस्म के मौलवी मुल्ला और जाहिल कस्म के उनके मानने वालों ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि आपने क़ुरान की और इस्लाम की तोहन की है और उसके बाद उनको क़त्ल कर दिया जाता लेकिन मौके पर पुलिस की एक अफसर सैदा शहरबानो नकवी पहुँच गई कि खुदावंद व ताली ऐसे पुलिस अफसरों की तोफ़ीतार में इजाफ़ा फरमाए और इन ख़ातून को बचा लिया वरना जिस तरीक़े से पाकिस्तान में कभी मशाल ख़ान को जमीत वालों ने कत्ल कर दिया इस्लाम की तोहन का नाम लगा के तो कभी हम देखते हैं कि शहज़ाद मसीह और उनकी बीवी शमा बीवी को ज़िंदा भट्टे में डाल दिया उनके चार साल के बच्चे के सामने तोहींने इस्लाम के जुर्म में तो कभी देखते हैं कि आसी अबीबी पर इल्ज़ाम लगा तो कभी एक गलियों में सफ़ाई करने वाली बच्ची पर इल्जाम लगाया गया कि उसने कुरान की तोह की तो कभी बैंक मैनेजर को मार दिया गया तोहन रसालत के जुर्म में तो अलहदुल्ला ये वाक़ होते होते रह गया अब यहाँ पर तमाम पाकिस्तानियों को खूसौल्ड दीनदारों को क्योंकि वह दीनदार नहीं हैं ये तवज़ो देनी चाहिए कि ये कैसे दीनदार हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये अरबी लिखी हुई है कुरान नहीं लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अरब ममालिक टॉयलेट पे अरबी लिखी होती है वो कुरान नहीं होता और फिर इसी तरह से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में अरबी लिखी होती है चाहे वो जूते हों चाहे वो फूट मैट हों वो कुरान नहीं होता और वीडियो आपके सामने आएगी कि जिसमें कि मौलवी कह रहा है कि ये कुरान पहने हुए हैं और इस्लाम की तोहन की है और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि इनकी सजा क्या है कि सरतन से जुदा ये वो इस्लाम है कि जिसके बाद लोग तेज़ी से इथियस भी हो रहे हैं एग्नोस्टिक भी हो रहे हैं बाद में लोग रोते हैं कि जी ये क्या हो रहा है ये हो रहा है इस्लाम की इस्लाम के नाम पर शिद्दत पसंदी से अब आपके सामने हम कुछ तस्वीर पेश करते हैं जिससे पता चले कि अरब दुनिया में चंद सालों से अरब फैशन डिज़ाइनर्स ने कैलीग्राफ़ी को इस्तेमाल करना शुरू किया है कि आपके सामने सबसे पहले कुछ पिक्चर्स आएंगी कि जो अलज़ीरा टी वी की हैं कि उन्होंने मखसूसन इसका प्रोग्राम नशर किया कि अरब ड्रेसेस में अरब कैलिग्राफ़ी को यूज़ किया जा रहा है इसी तरह से पर्स बनाए जा रहे हैं ज्वेलरी बनाई जा रही है जिस तरह से पहले इंग्लिश अल्फाबेट यूज़ होते थे तो अब अरबिक अल्फाबेट को यूज़ किया जा रहा है और अरब दुनिया में इसको सराहा जा रहा है इसी तरीके से आपके सामने अखबार के हैं कि यहाँ पर भी इन्होंने यही गुफ्तु की है कि अरबी हरूफ के साथ फ़ैशन डिज़ाइनिंग की जा रही है अलबत ये मर्दों के लिए भी है ख़ातन के लिए ज़्यादा इसमें काम हो रहा है इसी तरीक़े से मुख्तफ़ आपके सामने हम पेजस पेश कर रहे हैं कि जिनकी बाकायदा ऑनलाइन मार्किटिंग भी हो रही है और ऑनलाइन शॉपिंग भी हो रही है अब इसी कस्म के अफ़रा थे यही जाहिल कस्म के मौलवी मुला और जाहल कस्म के मौलवी मुलाओं के तरफ़ार और ख़ूस जो इसमें में अफराद नज़र आ रहे थे अक्सर एहले हदीस के थे क्योंकि उनके जहालत बहुत अरूज पे है और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को मज़बी शो करके कुछ बताना चाहते हैं कि हम ज़्यादा हक़ पर हैं ऐसे ही अफराद ने एक वक्त आया था कि जब ईरान से एक ट्रक आया था ज़ाहरा अनार थे उसमें या कोई और सब्ज़ी थी तो उसको रोक लिया था और कोयटा में बहुत ज़्यादा इस पर हंगामा भी हुआ था शोर शराबा भी हुआ था कि ईरान में कुरान की तोहन हो रही है क्योंकि जो डब्बे आए हैं फलों के उनमें क़ुरान निकला है जब देखा गया तो पता चला कि फ़ारसी के अशार थे कि जो ख़ास कैलीग्राफ़ी के साथ थे अब यहाँ पर आप देखें जो पाकिस्तान वगैरह में इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं और खसूस इस वाक़े में चंद मौलवी भी नज़र आ रहे हैं तो इनको ये स... तोफ़ी नहीं हुई कि कम से कम पढ़ के देखें कि इन खातून के लिबास पे क्या लिखा हुआ है इनके लिबास पे लिखा हुआ है हेलो अब अरबी में हेलाउन के माना है मीठे के और इसी से निकला है हलवा जिस तरह से इंग्लिश में स्वीट के माना है मीठे के और फिर किसी शख्स के लिए भी कहा जाता है कि स्वीट पर्सन या स्वीट पर्सनैलिटी तो बिल्कुल इसी तरीके से अरबी में किसी की जब तारीफ़ की जाती है तो उसको भी हेलो बाज दफ़ा महली अरबी में कह देते हैं और हेलवन या हेलू और इसके माना ये ही निकलते हैं कि यह शख्स बहुत स्वीट है बहुत पसंदीदा है बहुत अच्छा है इसी तरीके से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के लिए बिल्कुल वही इसका इस्तेमाल है कि जो अरबी इंग्लिश में आम तौर पर स्वीट के लिए किया जाता है वो किर है कि उर्दू में मीठा वग़ैरह हम किसी की तारीफ में नहीं कहते कि यह शख्स मीठा है लेकिन इंग्लिश की हम मिसाल दे रहे हैं क्योंकि अरबी में जो हलू का या हलू का इस्तेमाल है वो बिल्कुल वही है कि जो इंग्लिश में स्वीट का इस्तेमाल है अब अगर कहीं कैलीग्राफी देख लें मुमकिन है कभी कोई कहे कि जी मिसाल के तौर पर आ, किसी कमीज़ पर लिखा हो जमील तो कहें जी, ये तो कुरान में आया है तो जी कुरान में तो बहुत सारे अल्फाज आए हाँ अगर कहीं पर लिखा हो फैसबरुन जमील और कुरान की आयत के अनवान से लिखा गया हो तो फिर कहा जाएगा कि इसकी तोहन किसी भी कस्म की हराम है लेकिन अगर किसी जगह पर जमील लिखा हुआ है तो आप कहें जमील तो कुरान में भी आया हाँ जमील तो अरबी में बहुत इस्तेमाल होता है इसी तरह कहीं रजुल उन जमील उन लिखा हो कि एक जमील मर्द तो आप कहें कुरान में रजुल भी आया है कुरान में जमील भी आया है बस ये एक आयत हो गई ना ऐसा नहीं है तो ये भी जहन में रखें और अब यहाँ पर हमारी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि ऑनलाइन ये चीज़ें मौजूद हैं बाकायदा ऑर्डर करें मर्द भी टी शर्ट पहने और ख़वान भी अपने लिबास में इसको इस्तेमाल करें ताकि इस कस्म के अफराद की शिद्दत कम हो इन लोगों से डरना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि जब कुत्ते पीछे लग जाते हैं जितना भागें वो उतना दौड़ाते हैं और अगर रुक के उनको घूर के देखा जाए तो वो पलट जाते हैं तो इस किस्म के जो सो कॉल्ड अफराद हैं दीनदार इनका वाहि यह इलाज है कि इनसे मुकाबला किया जाए अब आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं कि इनसे माफी मंगवाई जा रही है किस चीज की माफी जाहिल म, लोगों जाहिल मुल्लाओं तुम माफी मांगो कि तुमने खातून को डराया है और तुम में इतनी अहलियत नहीं थी बगैर तो कि तुम ये पढ़ पाते कि ये आयत नहीं है यानी पूरे इछरा बाजार में एक जाहिल मर्द ऐसा नहीं था कि जो ये पढ़ लेता कि क्या लिखा है और कमाल ये है कि अहले हदीस मुल्ला जो है सर पर दुपट्टा डाले आ गया इसको भी समझ में नहीं आई और बाद में आप ये देखें कि एक मुल्ला इधर बैठा है एक मुल्ला उधर बैठा है बीच में इस लड़की को डरा के बिठाया भाई तुम्हारी कौन सी गैरत है बेगैरतों तुम अपनी बेटियों को भी ऐसे बैठाओ कि दूसरे मर्दों के दरमियान और फिर तुम माफ़ी मंगवा रहे हो दुआ है कि खुदावंद वाली पाकिस्तान को इन जाहिल कस्म के शिद्दत पसंदों से निजात फ़रमाएं लेकिन याद रखें इलायरों माब कौमिन हत युरो माब अन्फुस हम जब तक आप ख़ुद अपने माहौल को बदलना नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा लिहाजा दोबारा गुजारिश करते हैं कि ऑनलाइन ऐसी कमीज़ें मौजूद हैं मर्द भी मंगवाएँ ख़ात भी मंगवाएँ ताकि प्रॉब्लम ना हो अब ज़मनान बयान करें कि बज़ दफ़ा होता है कि फ़ुटबॉल पर जो तोहन हो गई बबा जब आपने परचमों में अल्लाह का नाम लिखा है कलमा लिखा है तो अब कोरिया वालों को क्या पता कि आपके परचम पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने एहतराम तमाम ममालिक परचम की फुटबॉल बना दी तब आपको चिड़ हो रही है क्या ये जुर्म है ना कोई उन्होंने गलती नहीं की अगर वो जानबूझ के ये काम करते तो गलत बात होती वह ताहिर